ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये शाहजहां की शाही बेडरूम है। एवन साहब बताएंगे इस प्लेस के बारे में, फाउंटेन्स के बारे में, चारों तरफ पांच फाउंटेन देख रहे हैं, बड़े फाउंटेन रोज वाटर, परफ्यूम वाटर के लिए जी, 32 जेट्स देख रहे हैं चारों साइड में। अच्छा अच्छा, डायरेक्शन इसके अंदर हुआ करता था। सामने जो गार्डन देख रहे हैं आप, ईच गार्डन में ये मुगल गार्डन है, मोस्टली चार बाग, चारों कॉर्नर पर गार्डन होते हैं जी जी जी, मोस्टली मुगल गार्डन होते हैं। ये अंगूरी बाग है, ग्रेप्स गार्डन, इसकी जो मिट्टी है वो कश्मीर से मंगाई गई थी। अच्छा, उगते थे, उनकी शराब बनती थी और वो पिया करते थे। और अंगूरी बाग के तीनों साइड में जो रूम दिख रहे हैं आप, सब उनकी दासी को रूम हुआ करते थे, हरम लेडीज। अच्छा अच्छा, उनकी अनऑफिशियल वाइफ हुआ करती थी, उनके लिए रूम है। इसी के टर्न में आप देखेंगे शाहजहां की बेटी का महल है, रोशनाना बेगम पैलेस, छोटी बेटी का महल, इसके लेफ्ट में उसकी बड़ी बेटी का महल जहानाना बेगम पैलेस, और इसी के साथ ये शाहजहां का और मुमताज का मास्टर बेडरूम। अभी हम इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, शाहजहां और मुमताज का मास्टर बेडरूम, खास महल है, आराम का बोलते हैं। पूरे आगरा फोर्ट का जो मेन पैलेस है वो ये है, इसको बोलेंगे शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का मास्टर बेडरूम, खास महल। ओके, कारपेट हुआ करती सिर्फ ओनली फॉर यूज, आप सिर्फ कारपेटों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो शाहजहां जो थे वो सफेद पत्थर का बहुत ज्यादा शौक रखते थे, मार्बल पसंद था, मार्बल बड़ा पसंद था। और ये जो कॉर्नर पर ना प्योर गोल्डन पेंटिंग है, अभी मुगल टाइम में चारों तरफा ऐसी पेंटिंग हुआ करती थी, सब निकाल के लेंगे। मोस्टली एक ब्रिटिश गवर्नर पूछ रहे थे लॉर्ड कर्जन, उसने 1905 में एक डिपार्टमेंट बनाया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और 1905 में इसको दोबारा से रिपेयर किया, रिस्टोर किया। बीच में देख रहे हैं अब ये रिंग, यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ था, एक आदमी बाहर बैठकर डोरी खींचता था, और इस कमरे के अंदर ऐसे फैन चलता था, फैन 24 आवर ऐसे। हाँ, ये उनका खास फैन है मास्टर बेडरूम। इसी के साथ आप देखेंगे ऊपर जितने फ्लावर्स देख रहे हैं सब पेंटिंग हुआ करती थी, साइड में रिफ्लेक्शन में जब आएगा तो मार्बल से रिफ्लेक्ट करके वो ऐसा लगेगा जैसे फ्लावर पॉट रखे कहीं पर। अच्छा, है ना, उसके साथ में जो विंडो देख रहे हैं आप, ये मार्बल की विंडो है, इसमें ग्लासेस लगे थे, डिफरेंट कलर ग्लासेस लगे थे, ग्रीन रेड ब्लू लाइक रेनबो कलर, और ये विंडो है मार्बल की। अच्छा, और ये हैंजल्स है यहाँ पर, ये इसमें ग्लासेस से सब डिफरेंट कलर ग्लासेस, ये खुलती थी उस वक्त और बंद। अच्छा, ये मार्बल की खुलती भी थी। हाँ, ये हैंजल्स लगे हुए हैं। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैंडल्स लगने की जगह लगी हुई है, और इससे ये खुलती थी। अच्छा अच्छा, पिक्चर फोटोग्राफी अलाउड नहीं हुआ करती थी। अच्छा, पेंटिंग हुआ करती थी उस वक्त। फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड अकबर, फोर्थ जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ पर उनकी पेंटिंग हुआ करती थी फेस की। अच्छा, और के जी गोल्ड पर प्लेटेड पर सोने की पेंटिंग हुआ करती थी। तो ये सारा सोने की थी, मतलब छह इधर हैं और सेम थी ये छह इधर। अच्छा, और ये इनले वर्क है, पेंटिंग का कलर नहीं है, स्टोन लगे हैं, यहाँ सब पेंटिंग हुआ करती थी, अभी खराब हो गई है सब, जितना भी देख रहे हैं आप, सब गोल्डन पेंटिंग, पूरा डेकोरेट किया हुआ था इसको पहले से। अच्छा अच्छा, बनाने के लिए ये खास पहले, तो ये सब ब्रिटिशन ले गए इसको सोने को, निकाल सब निकाल के ले। ठीक ठीक ठीक, तो दोस्तों यही है वो जगह जो एक मशहूर है, शाहजहां और मुमताज के जो एक रॉयल बेडरूम होता है उसके नाम से, एक शाही बेडरूम के नाम से। तो इसका आर्किटेक्चर और जो टेक्नोलॉजी और जो इसमें कलाकारियां जो फूल पत्ती निकली हुई हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। दूसरा, ये जो आप जितने भी यहाँ पर जगह देख रहे हैं, यहाँ पर सब जगह सोने की कुछ ना कुछ मूर्तियां लगी हुई होती थी, मतलब जैसे कोई फूल पत्ती है या कोई इस तरीके की कोई डिजाइनिंग बना हुआ है, तो सब जगह इनमें सोना लगा हुआ होता था, कुछ हीरे जवाहरात इस तरीके की सारी चीजें होती थी। तो इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।